आदाब नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद शौकीन और आप देख रहे हैं सहारनपुर न्यूज। पेश है आज दिन भर के समाचार। सहारनपुर में रविवार को नगर विधायक संजय गर्ग द्वारा अपनी निधि से बनवाई गई विभिन्न क्षेत्रों में 6 सड़कों का लोकार्पण किया गया। इस दौरान नगर विधायक संजय गर्ग ने कहा कि सहारनपुर में बिना जातिगत भेदभाव के एक समान विकास कार्य कराए जा रहे हैं। वह सहारनपुर का कोई भी क्षेत्र विकास से अछूता नहीं रहेगा। इस दौरान कार्यक्रम में सपा के नगर अध्यक्ष आजम शाह, शाहनवाज चांद, अब्दुल हफीज इंडिया, इसरार प्रमुख मुस्तकीम व अन्य लोग भी उपस्थित रहे। ये शरबतिया पीर पे आज सड़क का उद्घाटन हुआ है। सड़क बोर्ड छोड़ दो बोर्ड। हालांकि कोरोना काल में सभी विधायकों की विधायक निधि को समाप्त कर दिया गया और विपक्ष के लोगों के साथ लोकतंत्र की हत्या करते हुए जो इस समय के सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उन्होंने जो अपने अपने विधायकों को अपने विभागों के जरिए फंड दिए हैं और जो विपक्ष के विधायक हैं उनके साथ सौतेला व्यवहार करने की बात हो रही है। परंतु सबके बावजूद जो हमारे सीमित संसाधन है उसमें हम बिना किसी भेदभाव के जो ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें हैं उन्हें प्राथमिकता के आधार पर करवाने का काम कर रहे हैं। बहुत लंबे समय से ये सड़क यहाँ लंबित थी। हमारे बहुत वरिष्ठ पार्षद हैं अली जनाब हाजी बहार अहमद साहब, उनके आग्रह पर इस सड़क का निर्माण उन लोगों ने कराया था। रविवार को सहारनपुर के दौरे पर पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का देवबंद पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया, जहां पर अजय कुमार लल्लू ने किसान आंदोलन के बहाने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है, शांतिपूर्वक धरने को समर्थन दे रही है। किसानों की आवाज़ को किसी भी कीमत पर दबने नहीं दिया जाएगा। उनकी आवाज को कांग्रेस मजबूती से उठाने का काम करेगी। किसान आंदोलन के बारे में क्या? किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। शांतिपूर्वक आंदोलन में कांग्रेस पार्टी पूरा समर्थन दे रही है। उनकी आवाज दबने नहीं देंगे, उनकी आवाज को मजबूती से उठाएंगे। जो दिल्ली हिंसा है उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सरकार की सोची समझी रणनीति का हिस्सा था वो दिल्ली। बीजेपी कांग्रेस पर विपक्षी पार्टियों पर आरोप लगा रही है। उनके आरोप प्रत्यारोप लगाना सरकार की छवि में है, सरकार की नीयत है, सरकार की नीति है। सहारनपुर में रविवार को पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा एक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष करण सिंह गौतम व प्रदेश सचिव हरि ओम पासवान का कार्यकर्ताओं द्वारा फूलमालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। और हम लोक जनशक्ति पार्टी को यहां पर पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ मजबूत करने का काम करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। यहाँ से मणिशंकर पांडे जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष, उनको उनके हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। और आने वाले चुनावों की तैयारी हमने कर दी है और अपनी पीठ बांध ली है और पूरी मजबूती के साथ आने वाले चुनाव, छोटा सा जिला स्तर का लेकर नीचे स्तर का जितने भी चुनाव आते हैं हम उनमें सब में अपने उम्मीदवारों को उतारने का काम करेंगे और सीट जिताकर ही भेजने का काम करेंगे। सहारनपुर में रविवार को मेडिग्राम अस्पताल के स्थापना दिवस पर नगर निगम में मेडिग्राम अस्पताल द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम से एक साइकिल रेस का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ नगर आयुक्त द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया, जिसके बाद साइकिल रेस नगर के विभिन्न स्थानों से होती हुई मेडिग्राम हॉस्पिटल पर जाकर संपन्न हुई, जहां पर योग गुरु पद्मश्री भारत भूषण, CMO BS सोडी व अन्य अतिथियों द्वारा प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में IMA के अध्यक्ष डॉक्टर मनदीप सिंह सहित अन्य लोग भी उपस्थित रहे। आप लोगों ने मैराथन सुना होगा। मैराथन एक बहुत बड़ी रेस होती है और विश्व भर के लोग उसमें भाग लेते हैं, लेकिन वो भाग लेने लायक बने रहे उसके लिए सहारनपुर नगर निगम के ब्रांड एम्बेसडर हैं और उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग इस स्वच्छता का महाअभियान और स्वामी जी की वजह से नेशनल नहीं पूरे इंटरनेशनल लेवल पर
जो आज सहारनपुर को एक पहचान मिल रही है, ऐसे संत को मैं नमन करता हूँ। मंच पर आसीन हमारे। सहारनपुर की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल सहारनपुर न्यूज में सहारनपुर तक को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।